आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी स्प्रिंग रोल, जो बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही क्रंची होता है, खास करके बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में 1 कप मैदा लेंगे, 1/2 टीस्पून अजवाइन लेंगे, जिसे हम हाथ में लेके अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, क्रश करके फिर डालेंगे। नेक्स्ट हम 1/4 टीस्पून काली मिर्च लेंगे और 1/4 टीस्पून ही हम नमक भी लेंगे। 2 चम्मच इसमें घी डालेंगे, आप इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक थिक सा डो तैयार करेंगे। ये डो रेडी हो चुका है। अब इसे थोड़ा सा घी लगा के इसे ढक के रख देंगे हम। चलिए अब इसके लिए हम स्टफिंग तैयार करते हैं। अब एक कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच तेल लेंगे, गर्म हो जाने पे इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे और 1 मीडियम साइज का बारीक प्याज कटा हुआ डालेंगे। एक हरी मिर्ची अच्छी तरह से इसे चलाते हुए भून लेंगे। नेक्स्ट इसमें हम 1 मीडियम साइज का टमाटर इसमें हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। नेक्स्ट इसमें मैगी मसाले का जो पाउच होते हैं वो डाल देंगे। नेक्स्ट 1 पैकेट मैगी डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाल लेंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्च डाल लेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। मैगी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसका सारा पानी हम सुखा लेंगे। मैगी का सारा पानी सूख चुका है। अब एक बर्तन में इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। नेक्स्ट हम अब स्प्रिंग रोल के लिए शीट्स बनाएंगे। इसे पतला पतला बेल लेंगे, इसे बिल्कुल बारीक बेलना है। और सीड्स बनाने के लिए हम 2 तैयार करेंगे, क्योंकि जब हम उसे सेकेंगे तो डबल ही सेकेंगे। एक और बेल के तैयार कर लेते हैं। अब इस पे थोड़ा सा घी चाहे ऑयल लगा लेंगे, अच्छी तरह से लगाएंगे और थोड़ा सा इस पे मैदा स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि हमारी सीड जो हैं अच्छी तरह से सीख जाएं और निकालते हुए कोई परेशानी ना हो। अभी दूसरी जो हमने शीट तैयार करी थी वो भी इस पे अच्छी तरह से फैला लेंगे और इसे एक बार और बेल लेंगे। किनारों पे भी बेलेंगे, इसको बिल्कुल पतला बेलना है, हमने इसे मोटा नहीं बेलना है, क्योंकि मोटा बेलने से जो स्प्रिंग रोल बनाने में दिक्कत आएगी और पतला रहेगा तो ये अच्छे से आसानी से हमारे जो स्प्रिंग रोल हैं बनकर तैयार हो जाएंगे। चलिए इसे बेल लिया है। अभी मैंने इसे अच्छी तरह से हर साइड से बेल लिया है, आपको इतना पतला ही बेलना है इसे। देखिए अब इसे तवे पे रख के सेक लेंगे। अब मैंने इसे सेकने के लिए तवे पे रख दिया है। अब देखिए वाइट से स्पॉट्स हो गए हैं। अब इसे हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे ही सेक लेंगे। ये सीकर तैयार हो चुका है, हमने इसे ऐसे ही सेकना है, ऐसे ही सेक। दूसरा भी नेक्स्ट हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तैयार हो चुकी है।
सीड्स को अलग कर लेते हैं। देखिए कितनी बनकर अच्छी सीड्स बनकर तैयार हुई हैं। इसे हमें थोड़ा सा घी लगाकर बनाया था इसलिए ये अच्छे से खुल जा रही हैं। अब हम अपने स्प्रिंग रोल तैयार करेंगे। सबसे पहले एक शीट लेंगे और इसके ऊपर मैगी की स्टफिंग रखेंगे, इसे फैला लेंगे और इसे रोल करके हम तैयार करेंगे। अच्छी तरह से स्टफिंग डाल लीजिए और इसे रोल कर लीजिए। इसे इसे टाइट रोल करना है, साइड से ऐसे इसे फोल्ड कर दीजिए और इधर इधर साइड दूसरी साइड से इसे फोल्ड कर दीजिए ऐसे। और एक रोल हम और लेंगे ऐसे। और अब यहाँ हमने क्या करना है, ये देखिए, ये जो मैंने मैदे का और इसमें पानी मिक्स करके एक चम्मच मैदा और थोड़ा सा पानी मिक्स करके घोल तैयार कर रहा है, इसको हम यहाँ लगा लेंगे ताकि तलते समय स्प्रिंग रोल खुले नहीं। भी लगा दीजिए, थोड़ा सा अच्छी तरह से लगाना है इस पेस्ट को हमने। इससे क्या होगा, जब हम स्प्रिंग रोल तलेंगे तो वो खुलेंगे नहीं। मैंने स्प्रिंग रोल तैयार कर लिए हैं और ऐसे ही इसी तरह से हम अपने सारे स्प्रिंग रोल तैयार कर लेंगे। उसी तरीके से मैंने सारे स्प्रिंग रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इन्हें फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है, अब इसमें स्प्रिंग रोल डाल के तल लेंगे। और तलने से पहले हमें ध्यान रखना है, जो ये नीचे का हिस्सा है जहाँ हमने पेस्ट लगाया था वो हमने नीचे रखना है ताकि हमारी स्टफिंग जो है सिक्योर हो जाए। पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही बाकी स्प्रिंग रोल भी तल कर तैयार कर लेंगे। अब इसे हम कुछ इस तरह से कट करेंगे, कितने क्रिस्पी बने हैं। इसे मैंने कट कर लिए हैं, देखिए कितने यम्मी, कितने डिलीशियस लग रहे हैं। सभी स्प्रिंग रोल तैयार हैं, ये सभी बहुत क्रिस्पी हैं। आप इस तरह से स्प्रिंग रोल बनाएंगे तो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।